फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ब्रेविंग द रेन. आप सब लोग बहुत पेशेंटली इतने टाइम से हैं, सब अटक गए थे ट्रैफिक में. 10 साल हो गए फिल्म को एंड अंग्रेजी में कहूँ तो द वे इट इंस्पायर्ड द पीपल व्हेन इट वाज रिलीज्ड, इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर देम. न्यू जनरेशंस आर जॉइनिंग विद द फिल्म. जो 4 साल की बच्ची थी आज वो 14 साल की है, वो देखती है तो उनका मैसेज मेरे पास है. जो 10 साल के थे आज 20 साल के हैं और नया जनरेशन इस फिल्म के साथ जुड़ रहा है. आपके साथ एक बहुत स्पेशल न्यूज़ हम बांटना चाहेंगे. आज स्पेशल स्क्रीनिंग तो हुई है, साथ साथ में ये फिल्म अडेप्ट हुई है ISL में, विच इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज. तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए फिल्म अडेप्ट हुई है इन द साइन लैंग्वेज. एंड अजीत सर इज़ हियर एंड ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रिलीज द फिल्म इन 30 cities ऑल ओवर द कंट्री ऑन 6th of August. सो फिर से जो लोग इस फिल्म को पहले अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे अब वो अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे, विच इज़ द ISL लैंग्वेज. और बाकी तो हम सब मिले हैं आज, सारा कास्टिंग क्रू अंदर है और मतलब कैसा लग रहा है वो बोलना बड़ा मुश्किल है. सर, व्हेन वी लुक बैक 71 नेशनल अवार्ड, फर्स्ट मूवी टू गो बैक इन 100 करोड़, फर्स्ट मूवी, व्हेन यू सी बैक, टेल अस समथिंग, हाउ डू यू फील, हाउ प्राउड मोमेंट वाज इट फॉर यू? It is an exceptional movie to start with. You know, I think the work that Rakesh has done, Ajit did, Prasoon, the writer of the film, Shankar Ehsaan Loy, the music that they composed, all of it came together really, really well. मैं अपने आप को बहुत lucky समझता हूँ कि मुझे इस फिल्म का मैं एक हिस्सा था. और जब मैं सोचता हूँ अपने करियर के बारे में तो ये फिल्म हमेशा एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा ऑन टॉप रहेगी. मैं जहाँ भी जाता हूँ दुनिया में, अगर कोई एक फिल्म है जिसके बारे में लोग मुझसे बात करते हैं या कहते हैं उन्होंने देखी है, वो है भाग मिल्खा भाग. तो फॉर एनी पर्सन हु इज़ इन द क्रिएटिव फील्ड एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हैं कि मतलब 100 करोड़ तो एक बॉक्स ऑफिस नंबर है, लेकिन वो 100 करोड़ दिलों को जो छूती है एक फिल्म, उसका मतलब आप अंदाज़ा कुछ लगा ही नहीं सकते जब ऐसी फीलिंग मिलती है जब आप जा भी जाते हैं. अजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, 10 साल बाद अगर फिल्म को लगातार प्यार मिलता हो, एज अ प्रोड्यूसर कैसा लगता है? देखिए, 10 साल एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, उम्र निकल जाती है. यू नो, आज मिल्खा जी भी हमारे साथ नहीं है, वो भी अपने सफ़र में आगे चले गए. लेकिन मुझे लगता है ये वो फिल्म है जो इट विल आउटलास्ट ऑल ऑफ अस. यू नो, फिल्म की यादगार रहेगी. फरहान ने कुछ किस तरह से उनको फिल्म में, जिस तरह से वो खुद मिल्खा बन गए, जैसे राकेश ने कई बार कहा है, तो आई थिंक ये हमने कई फिल्में की हैं और आई थिंक ये जो स्पेशल फिल्में होती हैं इनके बारे में ये कुछ बन जाती हैं. यू नो, तो इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है कि ये जो स्पेशल फीलिंग है, ये आई थिंक हम जो स्टूडियो में इस फिल्म को समझते हैं कि ये स्टूडियो, ये फिल्म स्टूडियो का दिल है. और उम्र निकल जाती है तो भी जैसे कहते हैं कि भाई बाकी चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाए, लकीरें आ जाए, लेकिन दिल पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वैसे मुझे लगता है ये फिल्म कभी बूढ़ी नहीं होगी, इस पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी. सर, वन लास्ट क्वेश्चन, एज वी गाइस आर लिविंग इन द OTT प्लेटफॉर्म वर्ल्ड, आर यू मेकिंग भाग मिल्खा भाग 2 और एनी OTT लाइक अ सीरीज ऑफ भाग मिल्खा भाग, आर यू प्लानिंग फॉर दैट? भाग मिल्खा भाग 2, आई एम रेडी. I wish I get the opportunity to make Bhaag Milkha Bhaag 2, Bhaag Milkha Bhaag 3 and get the inspiration. But I will leave it for the younger generation now to take this inspiring story forward. And there are many creative ways of correlating stories and take it to the next level. So that will be amazing. And हमें जितना आता था, समझ में आता था, हमने इस फिल्म में डाल दिया. और कुछ बोलेंगे तो लगता है कि वो ओरिजिनल जो छवि है वो डिस्टर्ब ना हो. थैंक यू वंस अगेन फॉर ब्रेविंग द रेन एंड बीइंग सो पेशेंट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.